हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अक्सर महिलाओं के मन में पहली प्रेगनेंसी के बाद ये सवाल उठता है कि दूसरी बार हम माँ कब बने और साथ ही क्या सावधानी रखी जाए। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपको अगर बेबी ऑपरेशन से हुआ है और नॉर्मल हुआ है तो आपको बेबी के बीच में कितनी गैप रखनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अब हमको बेबी प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप फॉलो करके अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी को एक हेल्दी बना सकते हैं, साथ ही आपके शरीर को भी एक हेल्दी और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। सीजरियन डिलीवरी एक बड़ा ऑपरेशन होता है। शरीर को पूरी तरह से रिकवर होने में थोड़ा लंबा समय और टाइम लग सकता है। अब आपको कितना गैप होना चाहिए? सी सेक्शन के बाद 6 महीने से 1 साल तक आपको इंतज़ार करना ज़रूरी रहता है। वैसे कहा जाए तो आपको और थोड़ा बेबी बड़ा हो जाए, यानी कि 2 से 3 साल का हो जाए या 5 साल का हो जाए, तब आप दूसरा बेबी यानी सेकेंड बेबी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो आपको 1 साल का वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर बहुत कमज़ोर रहता है। जो टांके रहते हैं वो अच्छे से घुल जाने चाहिए, ठीक होना चाहिए, जिससे आप दूसरी बार माँ बनने के लिए पूरी तरह रेडी हो। इतना गैप नॉर्मल और सीजरन दोनों ही डिलीवरी में होना सही रहता है कि आपको 1.5-2 साल के आसपास वेट करना चाहिए। इतने समय में घाव अच्छी तरह से भर जाते हैं। अगर आप ऑपरेशन के 6 महीने से भी कम समय में कंसीव कर लेते हैं तो सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होने पर आपको परेशानी हो सकती है। इतने समय का गैप रखने से माँ को पहले बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने में भी वक्त मिल जाता है। दूसरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आने का खतरा भी कम रहता है अगर आप इतना गैप देते हैं। ऑपरेशन के बाद शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए भी शरीर को समय से रिकवर होना ज़रूरी रहता है। ऑपरेशन के बाद जल्दी माँ बनने के आपको कई नुकसान हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है प्लेंसेंटा प्रीविया, इसमें प्लेंसेंटा अपने आप ही निचली यूट्राइन परत से जुड़ जाता है। इसमें डिलीवरी के दौरान या बाद में ब्लीडिंग हो सकती है। सेकंड की बात करेंगे प्लेंसेंटा एब्रप्शन, इसमें प्लेंसेंटा बच्चे से बिल्कुल अलग हो जाता है। तीसरी बात करते हैं यूट्राइन रप्चर का खतरा आपको बढ़ सकता है। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? भारी सामानों को उठाने से बचें। अगर आपका सी सेक्शन से डिलीवरी हुई, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, पर्सनल हाइजीन का ध्यान जरूर रखें। सीजरियन डिलीवरी के बाद आप अपनी साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। प्यूबिक हेयर साफ रखें, क्योंकि प्यूबिक की सफाई रखने से पसीना और नमी की मात्रा कम हो जाती है, इन्फेक्शन नहीं होता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी साफ़ सफाई के साथ खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर आप सेकेंड बार प्रेगनेंसी कंसीव की सोच रहे हैं तो अपनी जो आहार में है विटामिन जो रहती है चीज़ों में, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन कीजिए। इससे साथ ही प्रोटीन से बनी भरपूर चीज़ों का सेवन कीजिए, क्योंकि आपके जो शरीर है, आपकी हेल्थ को अच्छा होना और तंदुरुस्त होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई इशूज ना हो, अच्छे से वो आप कंसीव कर सकें। तो कुछ कुछ ऐसी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है। और जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव का सोच रहे हैं, सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए, चेकअप करवा लीजिए कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बिल्कुल सही समय है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव का, क्योंकि आपकी एक बार जाँच की जाएगी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, कुछ होगा, तो आपको ट्रीटमेंट के साथ सही करके और आप दूसरी बार माँ बन सकते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मन से कुछ भी मेडिसिन लेना स्टार्ट ना कर दीजिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। समय समय पर अपनी जांच करवाते रहिए। भारी सामानों को उठाने से बचें। बहुत ज़्यादा मसाला और तीखा खाना ना खाइए। स्वस्थ चीज़ें खाइए, जिससे भरपूर मात्रा में आपको पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी चीज़ें मात्रा में मिलता रहे। जो भी टेबलेट रहते हैं अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी रहेगी, एक अच्छी प्रेगनेंसी रहेगी, एक आप अच्छे हेल्दी बेबी को जन्म देंगे। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए। प्रेगनेंसी जर्नी में आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सी सेक्शन से हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आपको 1.5 से 2 साल का गैप रखना चाहिए मेडिकल स्टडी के अनुसार। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से बड़ा हो जाए, बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड बना रहे, तो उसके लिए 5 साल का गैप ज़रूर होना चाहिए या 3 साल का तो होना ही चाहिए। इतना गैप कि बच्चा खुद अच्छे से खा सकता है, पी सकता है और आप दूसरे बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं। क्योंकि दूसरी बार माँ बनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है कि पहले बच्चे को लेकर काफ़ी सारे
सारे माँ चिंतित रहते हैं कि यह छोटा बच्चा है, इसका कैसे ध्यान रखा जाएगा बार बार। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी